गोलकीपर के बन दराम में काय ई 150 का मा बन कना चलिए जोरा लगा हुआ बनार सरन गोलकीपर भी सरन दवा बनार गोलकीपर लगी की स्पोंसर में ना तिने दराम रखा है जतो जतो तपाज गुटे मुद्र पहिल सुटर लगी कोटे टीम संखने हजवा और ठीक है और कैप्टन से रिक्वेस्ट रहेगा कि पांच पांच कोटे का पेनल्टी शॉट जो आउट जो होता है उसमें आप तैयारी कर रहे तैयारी आप पहले से कर लिए हैं तो जल्द भेजना चाहिए खिलाड़ी को जल्द भेजिएगा जल्दी करवाइएगा जल्द से जल्द जैसे उसका ऑफ शॉट ऑफ हो गया आप चले जाइए लेट मत कीजिए। और इस तरह से यहाँ पर पहला शूटर यहाँ पर बिरंदर जो कि जर्सी नंबर 4 और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है और डबरा के टीम को यहाँ पर जिस अहत फाइनल तक पहुंचाने में इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जर्सी नंबर 4 में बिरंदर पहला शूटर के लिए और बिरंदर का बहुत ही बेहतर गोल और इस तरह से डबरा का जो पहला शॉट था वो गोल में तो टीम के खिलाड़ी आप उठ जाइए जल्द करें सोचिए मत जो आज बॉलर टीम में खिलाड़ी जल्दी उठे और उसी प्रकार सेकेंड शूटर जो वहां पर डबरा टीम और ऐसे में पुलाट टुडू एवाईसी बुआरी जोर के ये फॉरवर्ड लाइन में फॉरवर्ड को लेकर रहे थे बुआरी जोर के लिए लेकिन देखना होगा ऐसी बीच यहाँ पर पांच पांच के यहाँ पर पहले खिलाड़ी इस समय पेनल्टी शॉट आउट के एवाईसी बुआरी जोर की तरफ से और पुलाट टुडू ने बहुत ही अच्छा गोल डाल दिया है और इस तरह से दोनों ही टीम एक एक पेनल्टी शॉट आउट में दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर खेलते हुए इस समय इस पेनल्टी शॉट आउट के महासंग्राम में और यहां पर देखना होगा सेकंड खिलाड़ी डबरा की तरफ से कौन से खिलाड़ी सेकंड शूटर के लिए आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। पांच पांच के कोटे का यहां पर सेकंड खिलाड़ी अब देखना होगा शायद यहां पर मार्वेल स्वयं टीम के कैप्टन मार्वेल मरांडी सेकंड शूटर के लिए डबरा की तरफ से आते हुए और गोल बचाने का जो मौका है वह सेटिट्यूड गोलकीपर अजय मुर्मू जो कि हमेशा बुआरियोर के लिए हमेशा इस विकेट की परिस्थिति में इस खिलाड़ी ने बुआरियोर को उभारा है और ऐसे में यहां पर अजय मुर्मू जो कि सेटिट्यूड गोलकीपर के रूप में इस समय मानवेल मेरांडी का शॉट को रोकने के लिए इस समय गोल पोस्ट पर और वहां पर अजय ने मानवेल मेरांडी के शॉट को ब्लॉक कर दिया है और इस तरह से डबरा का जो सेकंड शूटर था एक शानदार गोल भी लगा था इस खिलाड़ी ने और अब देखना होगा पेनल्टी शॉट आउट में अब देखना होगा किस तरह का शॉट जमाएंगे जो कि लेफ्ट फॉरवर्ड से बॉल जोर के लिए कर रहे थे एक खिलाड़ी है कोई और ऐसे में दानियल टुडू के शॉट को भी बिरंदर ने रोक लिया है बहुत ही बेहतर शॉट यहां पर जमाया था लेकिन दानियल टुडू के शॉट को भी बिरंदर ने रोक लिया है। तीसरे प्लेयर्स पेनल्टी शॉट आउट के तीसरे पोजीशन पर बबलू हस्ता को बुलाया गया है और बबलू हस्ता जो कि बुआरी जो के मैदान में बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था इस खिलाड़ी ने और इसी बीच ये तीसरे प्लेयर्स होंगे बबलू हस्ता के रूप में डबरा की तरफ से और बबलू हस्ता ने भी बहुत ही अच्छा गोल लगा यहां पर हालांकि वहां पर अजय इस बार पीट हो गए और बहुत ही अच्छा गोल वहां पर बबलू हस्ता के द्वारा आता हुआ और इस तरह से यहां पर तीसरा शॉट जो है डबरा का गोल में तब्दील हो गया है और ऐसे में यहां पर तीसरा शूटर के लिए एवाईसी गुआजोर के डिफेंडर दिलीप सोरेन इस समय पांच पांच के कोटे का तीसरा खिलाड़ी डबरा से
और बहुत ही अच्छा गोल वहां पर दिलीप के द्वारा। और इस तरह से जो है दोनों ही टीम ने तीन तीन शॉट के साथ दो दो गोल के साथ अभी भी बराबरी पर चल रही है। और ऐसे में यहां पर चौथे शूटर के लिए डीबीएससी डबरा की तरफ से कौन से खिलाड़ी आएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। और इस तरह से पेनल्टी शॉट आउट का वहां मुकाबला इस समय तीन तीन शॉट के इस लेवल तक में दोनों ही टीम ने दो दो गोल के साथ अभी भी बराबरी पर। चलिए और अच्छा गोल यहां पर जर्सी नंबर नाइन के जोएल के द्वारा भी बहुत ही बेहतर गोल। और इस तरह से जो कि डबरा का जो चौथा शॉट है वो गोल में तब्दील हो गया है। और इस तरह से यहां पर चौथे शूटर के लिए एवाईसी ग्वारियर की तरफ से जर्सी नंबर दो पर खिलाड़ी इस समय बादल हेमरन यहां पर चौथे शूटर के लिए। और बादल हेमरम के द्वारा भी अच्छा शॉट। इस तरह से चार चार के पेनल्टी शॉट आउट में दोनों ही टीम ने तीन तीन गोल के साथ अभी भी यहां पर पेनल्टी शॉट आउट के इस महामुकाबला में अभी भी बराबरी पर चलते हुए। और देखना होगा ये खिलाड़ी कितना कारगर शॉट जमाएंगे। और सामने होंगे गोल बचाने के लिए अजय मुर्मू ग्वालियर के गोलकीपर। और इस तरह से बबलू बेसरा के शॉट को रोक लिया है अजय के द्वारा। और मैं चाहूंगा हरिदास सोरेन, मैं चाहूंगा आप जहां कहीं भी हैं आप कृपया हमारे मंच से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां पर आपका बहुत जरूरी काम पड़ गया है। इसलिए मैं चाहूंगा हरिदास सोरेन मंच संचालक हरिदास सोरेन, आप जहां कहीं भी हैं मंच मारने का प्रयास करेंगे। हरिदास सोरेन आप मंच मारने का प्रयास करेंगे। और अजय ने यहां पर सफल गोल करके यहां पर एवाईसी ग्वालियर को विजेता के दहलीज पर पहुंचाया। मैं चाहूंगा बालिका वर्ग आप लोग जय लगा बजे बच्चा तो मार मारेंगे तुम लोग ना बालिका वर्ग की टीम। और ये बालिका वर्ग का फाइनल हो रहा है, बालिका वर्ग का फाइनल हो